हेलो फ्रेंड्स, हम सभी लोगों ने पिज्जा तो जरूर खाया है। जी हाँ, लेकिन क्या आपको पता है उसमें जो ओरिगेनो जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, आखिर वो आता कहाँ से है, किस तरह से बनता है, क्या हम लोग ओरिगेनो को घर पर बना सकते हैं? ओरिगेनो के बारे में बहुत कुछ ऐसी चीजें जानने वाले हैं जो कि अधिकतर हम सभी नहीं जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम सभी ओरिगेनो के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नया जानते हैं। जब हम सभी पिज्जा खाने जाते हैं तो उसमें हम लोग ओरिगेनो जरूर से छींटते हैं और तब वो डालकर तब हम लोग एंजॉय करते हैं अपने पिज्जा को। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह ओरिगेनो का जो मसाला है या फिर आप कह सकते हैं एक पाउडर फॉर्म का जो रूप है, वो आखिर बनता किससे है? अब इसकी सच्चाई जानते हैं। यह जो पाउडर है या फिर मसाला है, इसे तैयार किया जाता है ओरिगेनो के पौधे से। ओरिगेनो के पौधे में से ओरिगेनो के पत्ते को तोड़ा जाता है, उसे अच्छी तरीके से पानी से धोकर उसे ड्राई किया जाता है और फिर ड्राई लीव को अच्छी तरीके से क्रश करके तब ओरिगेनो का जो मसाला हम कह सकते हैं उसे तैयार किया जाता है, और जिसे हम सभी अधिकतर पिज्जा, सैंडविच, सूप, सैलड ये सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में। तो अब हम सब यह जानते हैं कि पिज्जा में जो ओरिगेनो इस्तेमाल हम सभी करते हैं वह एक पौधे से प्राप्त होता है और उस पौधे का नाम है ओरिगेनो। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि ओरिगेनो का जो मीनिंग है वह क्या है। ओरिगेनो दो वर्ड के मिलाने से बना है, ओरोस और गेनोस। ओरोस का मतलब हो गया माउंटेन और गेनोस का मतलब हो गया ब्राइटनेस। ओरिगेनो का फिर मतलब हुआ ब्राइटनेस ऑफ द माउंटेन। तो अब हम सभी ओरिगेनोस का मतलब भी जानते हैं। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, ओरिगेनो का जो पौधा होता है यह पुदीने की फैमिली से बिलोंग करता है और यह बारहमासी पौधे होते हैं। इसके जो फूल होते हैं वो बैंगनी रंग के थोड़े से दिखने में लगते हैं। इस पौधे को हर्ब के कैटेगरी में रखा गया है और इसके पौधे में से बहुत ही पंजेंट, आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है। इस पौधे के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगी, वह यह कि ओरिगेनो के पत्ते को अगर आप स्मेल करते हैं और आप अजवाइन के पौधे को स्मेल करते हैं तो आप पाएंगे कि दोनों की जो स्मेल है लगभग बहुत ही मिलती जुलती है। अब चलिए यह जान लेते हैं कि ओरिगेनो की कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होती है। देखिए, ओरिगेनो की कल्टीवेशन अधिकतर मैक्सिको हो गया, इटली हो गया, टर्की, ग्रीस और इंडिया में की जाती है। और अगर आप कहेंगे कि इंडिया में ओरिगेनो की अधिकतर अच्छी खेती कहाँ होती है, तो इसका जवाब है हिमालय से लेकर सिक्किम तक ओरिगेनो की खेती बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही सुटेबल पाया जाता है ओरिगेनो के प्लांट के लिए। अब चलिए ओरिगेनो के फूल के बारे में बात कर लेते हैं कि उसके फूल कब से लेकर कब तक खिलते हैं। ओरिगेनो के जो पौधे होते हैं उनमें फूल जून से लेकर अगस्त तक खिलते रहते हैं। जी हाँ, और अगर पत्तियों की बात की जाए तो इसकी जो पत्तियाँ होती है वो हल्के से स्पॉन्जी जैसे आपको देखने में लगेंगे। हम सभी इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि ओरिगेनो का जो मसाला है उसको हम लोग घर पर ही कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ओरिगेनो का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किन चीजों में किया जाता है। देखिए, इसका इस्तेमाल खाने के रूप में, पीने के रूप में, मेडिसिनल यूज में, डेकोरेशन में, जी हाँ आपने सही सुना, डेकोरेटिव वे में भी इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। और इस पौधे में से तेल भी निकालकर हम सभी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये अधिकतर लोगों को नहीं पता है, चलिए थोड़े से डिटेल में जानते हैं। देखिए, ओरिगेनो का इस्तेमाल मीट में, सैलेड, ड्रेसिंग, सूप, सैंडविचेस, पिज्जा ये सारी चीजों में किया जाता है। ओरिगेनो का इस्तेमाल अल्कोहलिक बीवरेजेस में भी किया जाता है। इस पौधे का इस्तेमाल घाव को ठीक करने में भी किया जाता है। जी हाँ, अगर किन्हीं को चोट लग गई हो तो इसके पत्ते को इस्तेमाल करके
घाव को ठीक भी किया जा सकता है। इवन इस पत्ते का इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस में भी काफी किया जाता है, अगर किसी को खांसी है उसमें भी किया जाता है। इस पत्तों का इस्तेमाल बहुत ही किया जाता है मेडिसिनल यूज में। अब आप यह जरूर से सोच रहे होंगे कि मेडिसिनल यूज ओरिगेनो का क्यों होता है, आखिर इसमें ऐसा क्या है। देखिए, ओरिगेनो में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसी कारण इसका इस्तेमाल मेडिसिनल यूज में भी किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने यह जाना कि ओरिगेनो का इस्तेमाल खाने पीने, मेडिसिनल यूज और उसके तेल को निकालकर उसके तेल को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजेस के बारे में अब हम सभी लोगों ने जान लिया है। अब चलिए यह भी जान लेते हैं कि अगर हम सभी चाहते हैं कि ओरिगेनो के मसाले को घर पर ही तैयार करना, वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में यह जानते हैं। घर पर ही ओरिगेनो के मसाले को बनाने के लिए हमें ओरिगेनो के पौधे में से उसकी पत्तियां को तोड़नी होगी। अब हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग यह कह रहे होंगे कि हमारे घर में तो ओरिगेनो का पौधा है ही नहीं। तो देखिए, ओरिगेनो का पौधा आपके घर के बगल में जो भी नर्सरी है वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन साइट से भी खरीद सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न से। यहाँ पर मैं एक चीज डिस्क्लेमर यहाँ पर डालना चाहूंगी कि यहाँ पर मैं कोई ऑनलाइन साइट का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, इसके मुझे कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। यहाँ पर मैंने बस एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है ताकि आप इजिली ओरिगेनो के पौधे को परचेज कर पाए। हाँ, तो हम सभी कहाँ पर थे कि ओरिगेनो के पौधे में से हमें क्या करना है, ओरिगेनो के पत्ते को तोड़ना है, फिर उसके पत्ते को तोड़कर अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लेना है, इसके बाद उस पत्ते को ड्राई कर लेना है। देखिए, तीन तरीके हैं उस पौधे को ड्राई करने का। देखिए, पहला तरीका यह है कि छत पर धूप में उसे अच्छी तरीके से सुखा ले, उसमें लेकिन बहुत समय जाएगा। सेकंड तरीका यह है कि अगर हमारे घर में माइक्रो ओवन है तो बस माइक्रो ओवन में डालकर उस पत्ते को ड्राई कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि तवा या फिर कढ़ाई में लो फ्लेम करके उस पत्तियों को हल्की हल्की से भूनना है, उसे ड्राई कर लेना है। तो यह तीन तरीका है। तो देखिए, इस स्टेप को करने के बाद हमारे पास ओरिगेनो के क्रंची सूखे लीव मिल जाएंगे। फिर अपने हल्के हाथों से उसे मिसल कर उस पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, जैसे ओरिगेनो का मसाला होता है, एकदम वैसे ही आप पाएंगे जैसे आपने अपने हल्के हाथों से उसे मिसलेंगे, उसी फॉर्म में आपको दिखेगा, बन जाएगा। देखिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसमें और भी कोई मसाला ऐड कर सकते हैं, चाहे आप उसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर ले, काली मिर्च ऐड कर ले, नमक ऐड कर ले। तो इस तरह से मिलाकर आप ओरिगेनो का जो मसाला है घर पर आसानी से बना सकते हैं। देखिए, अब जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, मैंने देखा है कि अधिकतर लोग इस चीज को लेकर बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। अगर वो नर्सरी भी जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको मतलब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, चलिए अब इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। और मैं सजेस्ट करूंगी कि अभी तक आप इस वीडियो में आप बने हैं तो इस वीडियो को अब अंत तक जरूर से देख ले, क्योंकि यह जो मैं अब बताने वाली हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं बात कर रही हूँ कि लोग अधिकतर सोचते हैं कि ओरिगेनो और अजवाइन का पौधा सेम होता है। क्या वाकई सेम होता है, इसकी सच्चाई क्या है, चलिए अब जानते हैं। तो अजवाइन और ओरिगेनो का पौधा सेम नहीं होता है, दोनों अलग अलग प्लांट है। अब आप यह बोलेंगे कि नहीं, हम लोगों ने यूट्यूब पर तो देखा है, हम लोगों ने बहुत सारे वेबसाइट पर पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डेप्थ में जाएंगे, सही इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ओरिगेनो का पौधा अलग लगता है देखने में और अजवाइन का पौधा बिल्कुल ही अलग होता है देखने में। जी हाँ, ओरिगेनो का पौधा कैसा होता है देखने में वो तो आपने इस वीडियो में देख लिया है, लेकिन अजवाइन का जो पौधा होता है वो गाजर के पौधे जैसा लगता है देखने में लगभग सा। देखिए, इस वीडियो में अभी आपको जो पौधा नजर आ रहा है वो अजवाइन का पौधा है ना, ओरिगेनो के पौधे से बिल्कुल अलग। देखिए, ओरिगेनो के पौधे में से जो स्मेल आती है और अजवाइन में से जो स्मेल आती है वो लगभग सेम सा लगता है, इसलिए हो सकता है कि अधिकतर लोग अजवाइन को ही ओरिगेनो मानते हैं और ओरिगेनो को अजवाइन। लेकिन अब आप सच्चाई को जानते हैं।
अब आप वीडियो में ही देख सकते हैं कि ओरिगेनो का पत्ता कितना अलग है और अजवाइन का पत्ता कितना अलग है। दोनों के फूल के बारे में अगर बात की जाए तो कह सकते हैं कि लगभग लगभग देखने में एक जैसे लगते हैं। और स्मेल की बात की जाए तो दोनों के प्लांट में से जो स्मेल आती है वो बहुत एक हद तक सेम ही होती है। तो मुझे लगता है कि स्मेल के कारण में भी लोग ओरिगेनो के पौधे को अजवाइन के पौधे को सेम ही समझते हैं। लेकिन आप जब नर्सरी भी जाएंगे ना तो अधिकतर लोग वहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, देंगे ओरिगेनो का पौधा और बोलेंगे ये अजवाइन का पौधा है। तो अब आप जानते हैं कि अजवाइन का पौधा अलग होता है और ओरिगेनो का पौधा अलग होता है। अब अजवाइन की बात कही जाए तो उसको हम लोग किस चीजों में इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, आप सभी तो जानते ही है, कढ़ी बनाने में, साग बनाने में, पराठा बनाने में, ये सारी चीजों में अजवाइन के बीज को इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को अभी तक देखने के बाद आपको ऐसा जरूर से लगा होगा कि इस वीडियो में आपको एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होगी। तो आज हम लोगों ने ओरिगेनो के बारे में बहुत कुछ जाना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।